नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। तो चलिए आज लाइव ट्रेडिंग करके दिखाते हैं बैंक निफ्टी में। एक्चुअली सुबह मैं क्लासेस के कारण ट्रेड नहीं ले सका, तो अभी थोड़ा लेट हो चुका है, फिर भी हम देखेंगे। मैं आपको आज नई ट्रिक सिखाऊंगा कि ट्रेड के अपोजिट भी ट्रेड आप ले सकते हो। उसके लिए आपके पास चाहिए थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज चाहिए, क्योंकि मार्केट गिर रहा है और यहाँ पे मैं बाइंग पोजिशन करके प्रॉफिट करके दिखा दूंगा। मैंने कुछ यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन बना चुका हूँ मैं। तो चलिए बैंक निफ्टी में हम पोजिशन बना लेते हैं। यहाँ से मैं बाय करूंगा एक लॉट के साथ 22250, मतलब 22250 पे मैं अपना बाइंग करूंगा। 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट 100 पॉइंट का लगा दिया है। चलो ऑर्डर मिल चुका है हमें, देख सकते हो जैसे ऑर्डर लिया तो प्रॉफिट ही चल रहा है, एक बार भी निगेटिव नहीं दिखेगा। क्योंकि आप अगर सही पॉइंट पे एंट्री लेते हो तो आपका हमेशा पोर्टफोलियो में MTM में प्रॉफिट ही दिखाएगा दोस्तों। तो फंड्स देख सकते हो 92,000 के आसपास फंड्स हैं हमारे पास और ये MTM में अभी 100-150-200 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है। एक बार ये मूवमेंट कर जाए ऊपर की साइड तो मैं अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा ट्रेल करूंगा और रिस्क कम करूंगा। दोस्तों ट्रेडिंग करते समय हमेशा आपको स्टॉप लॉस ध्यान में रखना जरूरी है। एक बार टारगेट नहीं मिले तो भी चलेगा, लेकिन स्टॉप लॉस आपके हाथ में होता है, उसको ट्रेल करना चाहिए। रिस्क हमेशा कम रखो ट्रेडिंग करते समय, और फ्यूचर एंड ऑप्शन में तो हमेशा ही कम रखो, क्योंकि इसमें ब्रोकरेज GST तो ज्यादा लगता है, आपको पता है। तो ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड है, देखते हैं हमारा टारगेट अचीव होता है कि नहीं होता है। आपको तो पता है मैं हमेशा 4 लॉट के साथ काम करता हूँ, लेकिन आज ट्रेंड के अपोजिट लिया है तो पोजीशन हमेशा कम होना चाहिए, क्योंकि आप मार्केट के अगेंस्ट जा रहे हो। तो मैं यहाँ से जैसे ही मूवमेंट करेगा स्टॉप लॉस अपना थोड़ा सा कम करूंगा। पहले 50 पॉइंट की रिस्क थी, अब मैं सीधा 10 पॉइंट की रिस्क ले चुका हूँ। मैंने अपना 10 पॉइंट स्टॉप लॉस रखा है सिर्फ, मतलब अगर यहाँ से स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो मेरा नुकसान खाली 250 रुपीज का हो जाएगा, मतलब 250 रुपीज का। और जैसे ये अपसाइड मूवमेंट करेगा तो मैं अपना स्टॉप लॉस और ट्रेल करूंगा। दोस्तों स्टॉप लॉस ट्रेल करने का भी एक जज्बा होता है, मतलब एक स्किल होता है कि कैसे उसको ट्रेल करना है, यही सारी चीजें सिखाता हूं मैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो इंस्टा पे DM कर सकते हो या मेल भी कर सकते हो, लिख के मुझे। क्लासेस तो शुरू है, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो कर सकता है, ज्वाइन कर सकता है। तो देख सकते हैं MTM में यहाँ पे 600-700 रुपीज का प्रॉफिट चल रहा है अभी। दोस्तों आपको पता है बैंक निफ्टी में हमेशा स्कैल्पिंग में 50 या मोर देन 50 पॉइंट लेके निकल जाता हूँ। पूरे दिन वेट करना मुझे तो पसंद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ता है आपके दिमाग के ऊपर। तो मेरा माइंडसेट यही था यहाँ पे कि 22250 को बाय करूंगा और जैसे ही 50 या 60 पॉइंट मिल जाएगी यहाँ से एग्जिट करूंगा मैं। देख सकते हो जहाज से मैंने ट्रेड लिया है तभी से ये एक बार भी निगेटिव पोजिशन नहीं दिखाया, तब से ये पॉजिटिव मोमेंटम कर रहा है। तो स्टॉप लॉस और थोड़ा ट्रेल करना चाहिए मुझे, क्योंकि अगर रिस्क फ्री ट्रेड रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। बाद में स्टॉप लॉस हिट भी हो जाए तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं दोस्तों। तो देख सकते हो अभी 600-700, जैसे ये 22290 के ऊपर निकलता है तो मैं अपना स्टॉप लॉस और ट्रेल करूंगा, रिस्क कम करूंगा। तो सुबह क्लासेस थे इसलिए मुझे समय नहीं मिल पाया ट्रेडिंग के लिए, तो अभी मैं थोड़ा सा लेट आ चुका हूँ, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, हम बाय साइड पोजिशन बना लिए। देख सकते हो MTM में आप मतलब प्रॉफिट्स ऊपर नीचे 700-600-900 के बीच में चल रहा है। तो लाइव ट्रेडिंग के दौरान आपको मतलब ये सब चीजें ध्यान में रखना जरूरी है, आपको बात भी करनी है, ट्रेडिंग भी करना है, मतलब सब चीजें एक साथ करनी पड़ती है आपको, तो उसके लिए थोड़ा आपको कॉशियस रहना चाहिए। तो देख सकते हो अभी अपसाइड थोड़ा सा ज्यादा मोमेंटम हो रहा है, मतलब 22890 के ऊपर हम स्टॉप लॉस ट्रेल करने वाले थे। तो चलिए मैं स्टॉप लॉस ट्रेल करता हूँ, तो मैं 22260 करूंगा। तो मेरे बाइंग प्राइस के ऊपर 10 पॉइंट मैंने रखे हैं, मतलब जो भी ब्रोकरेज लगता है ट्रेड के ऊपर, वो अगर यहाँ से स्टॉप लॉस हिट भी हो जाए तो मेरा 0 रुपीज का लॉस होगा इसमें, मतलब कुछ लॉस नहीं होगा, और इसके ऊपर जितना जाएगा उतना हमारा प्रॉफिट है, समझ सकते हो आप। तो यही होता है ट्रेडिंग के समय, आपके पॉकेट से कुछ जाना नहीं चाहिए। तो टारगेट भी थोड़ा ट्रेल करना चाहिए लगता है मुझे, क्योंकि अपोजिट ट्रेंड के मतलब ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड लिया हुआ है। तो देख सकते हो 1200-1300 रुपए के आसपास प्रॉफिट है। तो जैसे मैंने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल किया था वैसे टारगेट भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकता हूँ मैं, जरूरत लगे तो वो करेंगे। तो ठीक है, चलिए थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे अपसाइड तो दिख रहा है लेकिन मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, नीचे जाने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। बैंक निफ्टी तो आपको पता है विद इन सेकेंड भी 100-150 पॉइंट की मूवमेंट कर जाता है कभी कभी। तो अभी जब आप ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड ले रहे हो तो ये चीजें आपके ध्यान में होना जरूरी है। MTM का मजा लीजिए, देख लीजिए 1300-1400 का लगभग प्रॉफिट दिखा रहा है। ये चार्ट इसलिए देखना जरूरी है कि आपको कंफर्मेशन होना जरूरी है कि कहाँ पे जा रहा है, आपके डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो देख सकते हो 1300 लगभग बैंक निफ्टी ने 22330 का लेवल ब्रेक किया है। तो यहाँ से मैं अपना टारगेट और 20 पॉइंट नीचे लेके आता हूँ, समझ सकते हो आप, क्योंकि अपोजिट ट्रेंड के हमारा ट्रेड है। तो मैं 20 पॉइंट और टारगेट कम कर दिया हूँ, अचीव तो नहीं होगा लगता है। तो
फिर भी दोस्तों ये इसलिए करना चाहिए, मैं अपना टारगेट मॉडिफाई करता हूँ फिर से, 2295 कर देता हूँ दोस्तों, क्योंकि अपोजिट ट्रेंड के हैं, देख सकते हो क्या हो रहा है, देखते हैं। ठीक है, हमारा टारगेट अचीव हो चुका है, लगभग हमने 1200 रुपए के आसपास प्रॉफिट बुक किया है, लगभग 50 पॉइंट की मूवमेंट कैच की है, देख सकते हो स्क्रीन पे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।